हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ एलोवेरा एंड नीम यूज़फुल फॉर आर स्किन। एलोवेरा और नीम दोनों हमारी स्किन के लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एलोवेरा एंड नीम जो होता है किस तरह से यूज़फुल होते हैं। एलोवेरा एंड नीम बोथ आर नेचुरल इन्ग्रीडियंट दैट यू शुड इंक्लूड और एडेड इन योर डेली स्किन केयर रूटीन। एलोवेरा एंड नीम बोथ आर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल। दे आर रियली यूजफुल फॉर एडिंग रेडियंस टू योर स्किन एंड मेकिंग इट अपीयर क्लियर एंड लस्टरस। तो इस तरह से एलोवेरा एंड नीम जो दोनों होते हैं, एक एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि मैं आपने मेरी अगर पहली वाली सभी वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें मैंने सभी इस तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू ही शेयर किया है, क्योंकि मैं इस तरह के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं या एंटी बैक्टीरियल होते हैं, क्योंकि ये सभी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो नीम होता है या फिर एलोवेरा होता है, ये सब हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा बेनिफिट हमें देते हैं। तो नीम जो होता है हमारे स्किन में एक्नी, पिंपल्स, इन सबको रिड्यूस करता है और ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके पास एलोवेरा प्लस नीम का एक प्रोडक्ट है गुड वाइब्स प्लस का, तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। सो यू कैन सी, ये मेरे पास यहाँ पर है गुड वाइव प्लस का एलोवेरा प्लस नीम एक्नी कंट्रोल प्लस हाइड्रेटिंग जेल। नेट वॉल्यूम इसका 50 ग्राम दिया हुआ है। पैराबिन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है। और अगर बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की, तो वो हमें 3 ईयर्स की मिल जाएगी। और जो इसका प्राइस है 225 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये है दिखने में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ग्लास बॉटल की फॉर्म में है। और अगर आपका बॉक्स जो है वो कहीं पे गुम भी जाता है, तो आपको इसके ऊपर भी ये शेल्फ लाइफ और जो इसका प्राइस है, इंग्रेडिएंट्स सभी लिखे हुए दिख जाएंगे। तो जो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एलोवेरा जूस, नीम, विटामिन ई। एलोवेरा जो होता है उसमें विटामिन ई एंड विटामिन ए दोनों ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्रेगनेंस, कलर, प्योरीफाइड वाटर। ये बिल्कुल सही है कि इसमें फ्रेगनेंस है, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है। इसमें एक फ्रेगनेंस है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड फ्रेगनेंस है। और आप देख सकते हैं इस तरह से है ये, और ऊपर इसके लिड लगी हुई है जिसको हम ओपन कर सकते हैं। गुड वाइब के सभी प्रोडक्ट्स में ऐसे लिड लगी होती है, जो कि एक बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट को सेफ करके रखता है ये। और आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल जेल बेस्ड जो है इसका टेक्सचर है। और अगर आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो हम इस तरह से बिल्कुल जेल बेस्ड है, इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। और एज अ प्राइमर भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक्नी कंट्रोल के लिए है। तो इसको मैं कहना चाहूँगी कि ये एकदम से तो आपकी स्किन पर वर्क नहीं करेगा कि आपकी स्किन पर आप लगाओगे तो एकदम से एक्नी चला जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अगर इसके बॉक्स जो है ये, इस पर क्या लिखा हुआ है। वैसे मैंने आपको एलोवेरा, नीम वगैरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आपने उन सब में भी देखा होगा कि मैंने बहुत बताया है कि एलोवेरा प्लस नीम इज़ मेड टू कीप योर स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेट एंड रेडियंट। एलोवेरा इन द फॉर्मूला इज़ फिल्ड विद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज विच गिव्स द स्किन अ कूलिंग इफेक्ट, वाइल नीम एग्जिबिट प्रॉपर्टी एडिंग इन ब्लैक हेड रिमूवल। मतलब जो नीम है वो हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर देता है। और बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि ये स्किन एक्नी फ्री एंड टोन, मतलब हमारी स्किन को ये एक्नी फ्री करता है, लेकिन धीरे धीरे वर्क करता है, एकदम से वर्क तो ये नहीं करता। ये तो मैंने यूज़ किया हुआ है, एकदम से तो इसने काम नहीं किया।
और नेक्स्ट लिखा है सुटेबल फॉर ऑल एंड हाईली रिकमेंड फॉर दोज विद ड्राई स्किन टाइप, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव और ऑयली स्किन में आ जाती है, बट ये कोई ऑयली फील नहीं करवाता, बिल्कुल ड्राई है। देखो अभी मैंने लगाया था तो एकदम से ये जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ये, और कोई ऑयली नहीं देता, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। और मैं इसको हमेशा फ्रिज में रखती हूँ तो उसके बाद जब अप्लाई करती हूँ तो काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको पर्पल से मिल जाएगा। अगर आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र देख रहे हैं तो ये एलोवेरा का नीम प्लस एलोवेरा एक्नी कंट्रोल हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइज़र, ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको पर्पल से ही मिलेगा, पर्पल एक ऐप है तो आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और एक मेरा कोड भी है, अगर आप वो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।